पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कादिर को गिरफ्तार करके उसके पास से भारी मात्रा में सिम, डेस्क और सैकड़ों की संख्या में कई कंपनियों के सिम बरामद किए हैं। एसएसपी हेमराज सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आरोपी सऊदी अरब से ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का धंधा सीख कर आया था और अपने शादाब नाम के बहनोई के साथ मिलकर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था। पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब छापे के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में सिम सहित अन्य सामान बरामद हुआ। कटघर से एक कादिर नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि थाना भगतपुर के मानपुर एरिया के रहने वाले हैं और इनके पास से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को चलाया जा रहा था और इनके जब घर की तलाशी लिया गया तो वहाँ पे 6 गेटवे सिम बॉक्स मिले इनके पास से, 2 लैपटॉप मिले हैं सोनी बायो के, 3 इनके पास लैपटॉप के चार्जर हैं, कुछ इन्वर्टर बैटरीज इनके पास से मिली है, 2 वाईफाई के राउटर इनके पास से मिले हैं, 2 अडेप्टर हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने के जो इनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं और करीब 670 जो सिम कार्ड हैं वो इनके पास से डिफरेंट कंपनीज के इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये जानकारी मिली है कि 2021 में ये सऊदी में कहीं काम करने गए थे, वहाँ पर सईद चौधरी नाम का कोई व्यक्ति इनको मिला था और उसी से इन्होंने फिर ये काम सीखा। यहाँ आने के बाद में फिर इन्होंने सारा जो सामान है वो कुरियर के माध्यम से मंगवाया और फिर यहाँ पे एक फर्जी जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो इस्टेब्लिश किया और उसके बाद में ये आजकल तमाम इस तरह की जो रिमोट एक्सेस की जो ऐप आती है उनके माध्यम से इन्होंने सारी जो चीज़ें हैं उसको रिमोटली एक्सेस करके और ये टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पर चलाया जा रहा था और इनको जो मंथली जो पैसा है वो जो कादिर है इनके जो बहनोई हैं शादाब उनके अकाउंट में आता था और उसको फिर ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो आज इसमें कादिर को गिरफ्तार किया गया है और जो शादाब है उनको भी इसमें वांछित किया गया है और इनको गिरफ्तार करके वो IPC की धारा 420/67/68/71 और 4/20, 21 और 25 भारतीय तार अधिनियम 1885 एक्ट के अंतर्गत इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। तो कब से कर रहा था? करीब साल भर पहले से ये इस तरह का जो काम है इनके द्वारा किया है। इस तरह की जो एक्टिविटीज से ये होता है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज है ये काम यहाँ पे कर रहा है लेकिन इसका कोई टैक्स और कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है। ये सारा का सारा जो इंटरनेशनल जो कॉलिंग है ISD कॉलिंग जो होती है वो ऐप के माध्यम से रिमोटली एक्सेस करके और इसको चलाया जा रहा था जिससे कि इसमें एक तो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा उसको सबसे बड़ा खतरा था कि इन लोगों के द्वारा किससे क्या बात की जा रही है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी और दूसरा ये था कि इनके द्वारा जो टैक्स की जो चोरी की जा रही थी तो दोनों ही मामलों में इनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।